आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार में विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संजय राउत के अपने ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान का भी जिक्र किया। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कल ही शिवसेना वालों को करीब से कितनी नफरत है ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टिकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। पीएम ने आगे महाविकास अघाड़ी को घेरते हुए कहा, तुष्टिकरण के लिए ये भाषा बोली जा रही है। इनको सपने दिख रहे हैं कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इनको पता नहीं है कि देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेंगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, माताएं बहनें ही मोदी की रक्षक हैं। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है कि ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। दरअसल अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पैदा हुए थे और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ। राउत ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उद्योगपति करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात में ही पैदा हुए। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए महाराष्ट्र का अपना इतिहास है। इस औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ, इतिहास देख लें, दाहोद गाँव में उनका जन्म हुआ था। ध्यान रखें कि एक बार औरंगजेब को हमने महाराष्ट्र से बाहर किया था। 27 साल औरंगजेब महाराष्ट्र जीतने के लिए लड़ता रहा, आखिर में उसी औरंगजेब को गाड़ कर हमने उसकी कब्र बना दी। फिर गरीब से कितनी नफरत है ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टिकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।